रोशनी की टिकट्स कुछ दिनों के बाद के लिए बुक हुई थी। वो एक बार और कोशिश करके देखना चाहती थी। अगर करण ने कुछ रिएक्ट नहीं किया तो वो उसका रिएक्शन निकलवाने की कोशिश करेगी। अगर वो कुछ दिनों तक कुछ ना करे तो हो सकता है करण इस बात को भूल जाए। लेकिन उसे डर था कि अगर उसकी माँ को पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगी। रोशनी बहुत कंफ्यूज थी, इसीलिए उसने समीरा से मदद मांगने की सोची। वैसे भी वो दोनों कुछ दिनों से मिले नहीं थे और रोशनी बेजान सी दिखने लगी थी। वो काफी बेचैन भी दिख रही थी। रोशनी की हालत देखकर समीरा को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या हुआ, तुम ठीक हो? रोशनी समीरा को देखते ही उसे लिपट कर रो पड़ी। भाभी, मुझे कुछ दिनों में ये देश छोड़कर जाना है, शायद मैं आपसे फिर कुछ सालों तक मिल ना पाऊं। समीरा ये सुनकर दंग रह गई। उसने पूछा, देश छोड़कर जा रही हो? लेकिन तुम अचानक ऐसा क्यों कर रही हो? क्या कुछ हुआ है? प्लीज रो मत, मुझे बताओ। इसके बाद रोशनी ने रोते हुए समीरा को शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें बता दी। समीरा उसकी बातें सुनकर हैरान भी थी और दुखी भी। उसने कहा, ओ रोशनी, तुम हमेशा ऐसा क्यों सोचती हो कि अगर संजना बदनाम हो गई तो करण तुम्हें मिल जाएगा? लेकिन फिर भी करण तुम्हारे साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है? तुमने उसकी जान बचाई थी। ज्यादा रोने से रोशनी की आंखें सूज गई थी। वो समीरा से करण की शिकायत करते हुए बोली, करण सचमुच बेरहम है, वो ऐसा ही है। वो मुझे कह रहा था कि मैं लालची हूँ, इसीलिए उसके पीछे पड़ी हूँ। लेकिन शुरू से लेकर आज तक मैंने बस उससे शादी करनी चाहिए और कुछ नहीं। समीरा ने रोशनी को आंसू पोंछने के लिए टिश्यू दिया और गहरी सांस भरकर बोली, अब जब तुमने जाने के लिए टिकट्स बुक करवा ही ली हैं, तो ऐसा सोचोगे तुम अपने मन को शांत करने के लिए विदेश जा रही हो। हो सकता है थोड़े दिनों में करण का गुस्सा शांत हो जाए और तुम वापस आ जाओ, वो तुम्हें कुछ ना कहे, आखिर तुमने उसकी पहले जान बचाई थी। रोशनी को दिल ही दिल में बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब जब समीरा ने भी उसे जाने के लिए सलाह दे दी है तो फिर उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन अगर वो ना जाए तो क्या होगा? अगर वो यहीं रहे तो हो सकता है करण उसकी नजरों में पूरी तरह से गिर जाए। जब समीरा ने देखा कि रोशनी का मूड वापस नॉर्मल हो रहा है तो मुस्कुरा कर बोली, ये प्लान कैसा है, अगर मैं तुम्हारे भाई के साथ कुछ दिनों के लिए तुमसे मिलने आऊं? रोशनी समीरा को गले लगाकर बोली, भाभी आप सबसे बेस्ट हो। समीरा प्यार से मुस्कुराई। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने धीरे से पूछा, तुमने मुझे पहले बताया था कि शालिनी संजना की बहन है। मैंने उसके बारे में छानबीन करवाई थी, मुझे पता चला है कि वो जल्दी ही होश में आने वाली है। रोशनी का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसने पूछा, क्या कहा आपने? समीरा का ध्यान कहीं और था और उसकी आंखों में रहस्यमय चमक थी। उसने दोबारा कहा, शालिनी जल्दी ही होश में आने वाली है। रोशनी का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उसे इतना डरा हुआ देखकर समीरा ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, उसे होश में आने दो, आखिर बचपन में किसने शरारतें नहीं की? रोशनी का चेहरा एकदम सफेद हो गया। उसने नफरत से कहा, आपने ठीक कहा। इसके बाद वो खड़ी हो गई और बोली, भाभी मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं चलती हूँ, मैं बाद में आपसे मिलने के लिए आऊंगी। इतना कहकर रोशनी वहां से निकल गई। उसे जाते हुए देखकर समीरा ने अपनी कॉफी उठाई और एक शातिर मुस्कान के साथ कॉफी पीने लगी। रोशनी जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहती थी। उसके पैर पूरे रास्ते कांप रहे थे। जैसे उसकी नजर मिसेस मेहरा पर पड़ी वो घबरा कर बोली, मम्मी मैं क्या करूं, मैं इसे कैसे रोकूं? उसे इतना डरा हुआ देखकर मिसेस मेहरा ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या हुआ? रोशनी बहुत डरी हुई लग रही थी। उसने कहा, शालिनी जल्दी होश में आने वाली है, वो होश में आने वाली है। मिसेस मेहरा ने नफरत से कहा, शालिनी उस दिन वो? रोशनी ने कहा, हाँ संजना की करण से शादी हो चुकी है और अगर वो होश में आ गई तो आज नहीं तो कल जान जाएंगे। मिसेस मेहरा ने उसे संभालते हुए कहा, शांत हो जाओ। रोशनी शॉक में थी। इस वक्त वो सिर्फ अपनी माँ पर भरोसा कर सकती थी। थोड़ी देर शांत रहने के बाद मिसेस मेहरा ने बेरुखी से कहा, आगे चाहे जो हो, तुम सिर्फ ये बात याद रखो कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मेरी गलती थी। मैं इसकी सारी जिम्मेदारी लेकर सजा के लिए तैयार हूँ।
इसमें तुम्हारा और तुम्हारे भाई का कोई लेना देना नहीं है। आज से चाहे जो हो जाए तुम इसमें शामिल नहीं करोगी। मेरा कंपनी का पूरा भविष्य तुम्हारे भाई के हाथों में है, समझी? रोशनी अभी भी कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी। उसने कहा, अगर मिसेस मेहरा ने कुछ देर सोचा, फिर बड़ी बेरुखी से कहा, इसमें अगर की कोई गुंजाइश है? गेम रूम में बैठकर युग ने चुपचाप एक कार्ड उठाकर करण की तरफ देखा और बोला, तो तुमने सचमुच संजना के साथ कोर्ट मैरिज कर ली? वो मन में सोच रहा था, ऐसा नहीं हो सकता, जनरल ग्रोवर शादी के लिए उसे अपना खानदानी रजिस्टर नहीं दे सकते। समीर मुस्कुरा कर बोला, मैं आज रोशनी से टकराया, उसकी हालत बहुत बुरी थी। इसका मतलब तो यही हुआ था कि तुमने सच में शादी कर ली। वैसा ऐसा कैसे किया करण? करण समीर की बात सुनकर कंफ्यूज हो गया। उसने तो रोशनी को शहर छोड़कर जाने के लिए कहा था, कुछ दिन गुजरने के बाद भी वो यहाँ क्या कर रही है? इसका मतलब तो उसकी बात नहीं मानेगी। उसे क्या लगता था कि वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता? एक कार्ड लेकर करण ने समीर की तरफ देखा और बोला, जो प्रोजेक्ट तुम्हारी कंपनी शुरू करने वाली है उसमें राहुल मेहरा भी शामिल होना चाहता है ना? उसे निकाल दो, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। करण ने जैसे कोई बम फोड़ दिया हो। सब लोग उसकी बात सुनकर हद से ज्यादा शॉक थे। युग चढ़ कर बोला, क्या तुम्हें अपने पिता से डर नहीं लगता? अगर वो नाराज हो गए तो? वरुण ग्रोवर ने कहा, मैंने उन्हें जो उस दिन बताया था उन्होंने उस बारे में कुछ छानबीन जरूर करवाई होगी। युग ने कहा, रोशनी के डेट करने के बारे में? करण ने कहा, जनरल ग्रोवर को अपने बेटे की पत्नी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सबसे ज्यादा चिंता अपनी इमेज की है और वो उस पर कोई दाग नहीं लगाना चाहते। समीर ने हैरानी से पूछा, करण आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? पहले जब मैंने तुम्हारे साथ काम करने के लिए प्रपोजल दिया था तो तुमने साफ मना कर दिया था कि तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब तुम कह रहे हो कि तुम इस पर काम करना चाहते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। करण ने उसकी बात बीच में काट दी और उसे अल्टीमेटम देते हुए बोला, मुझे सिर्फ एक शब्द सुनना है, हाँ या ना। समीर ने कुछ देर सोचा और फिर दृढ़ निश्चय से बोला, ऑफ कोर्स हाँ। पावर और पैसे के मामले में मेहरा परिवार को लगता था कि वो अकेले करण से मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि करण बैकग्राउंड में रहकर कई बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा था। इसके अलावा करण उसका भाई था, तो फिर वो अपने भाई का साथ कैसे नहीं देते? युग बीच में बोला, मैंने सुना है कि जिस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर राहुल मेहरा काफी वक्त से काम कर रहा था वो भी उससे छीन लिया गया है, और अब तुम समीर के प्रोजेक्ट में से भी राहुल को निकलवा रहे हो। ऐसा लगता है कि तुमने मेहरा को उनकी औकात याद दिलानी शुरू कर दी है। अगर करण और राहुल दोनों समीर के प्रोजेक्ट पर काम करते रहे तो उसके लिए और भी अच्छा रहता। इसीलिए उसने पूछा, इस बार मेहरा ने तुम्हें नाराज करने के लिए क्या किया? लेकिन करण चाहे जो हो, रोशनी ने तुम्हारी जान बचाई थी। करण ने नाराजगी के साथ कहा, उन्होंने मुझे नाराज करने के लिए कुछ किया हो या नहीं, मैं बस एक फायदेमंद प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। क्यों, क्या तुम्हारा प्रोजेक्ट फायदेमंद नहीं है? समीर को राहुल मेहरा पर तरस आ रहा था। उसने कहा, बिल्कुल है। वैसे भी इसमें बुरा मानने की क्या बात थी, देखा जाए तो मेहरा परिवार ग्रोवर्स का सहारा लेकर आज मिडिल क्लास फैमिली से एक अमीर फैमिली बन चुके थे। लेकिन करण, क्या ये सही है? करण आराम से कुर्सी पर बैठकर बोला, इसमें गलत क्या है? कुछ सालों पहले मैंने अपनी बात साफ साफ कह दी थी, और अब जब मेरी शादी हो चुकी है तो मेरी बीवी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कोई उसके साथ प्यार से पेश आएगा तो मैं प्यार से जवाब दूंगा, और अगर कोई मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो फिर उसका बदला मैं अच्छे से लूंगा। युग को लग रहा था कि जरूर कोई बात हुई है। जब उसे याद आया कि रोशनी ने पहले क्या किया था तो वो मुंह बनाकर बोला, तो इसका मतलब संजना को बाथरूम में बंद करने के बाद रोशनी ने फिर से कुछ किया? करण बोला, भविष्य में मैं उसे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा, इसीलिए उसका ये शहर छोड़कर जाना ठीक है। मैंने उसे अल्टीमेटम दिया है कि मैं उसे अगले 5 सालों तक इस शहर में नहीं देखना चाहता। करण ने आगे कहा, और जहां तक राहुल मेहरा की बात है तो उसके साथ काम नहीं करना चाहता हूं। समीर ने करण को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम उसकी चिंता मत करो,
लेकिन मुझे तुम्हारी बात मानने के लिए थोड़ा डिस्काउंट तो मिलना चाहिए। करण थोड़ा सोच कर बोला, लेकिन अब मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि मुझे अपना घर चलाने और बीवी का खर्चा उठाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए तुम लोगों को मुझे ज्यादा पैसे देने चाहिए। लेकिन मैं ज्यादा नहीं मांगूंगा, सिर्फ पूरे प्रॉफिट का 10% दे देना। समीर के होश उड़ गए, वो मुंह बनाकर बोला, सिर्फ 10%? ये बहुत ज्यादा है, तुम अपने भाई को दिन दहाड़े लूट रहे हो। वरुण मुस्कुराकर बोला, करण काफी मेहनती और ईमानदार है, तुम्हारा नुकसान नहीं होने देगा समीर। युगदीप बीच में बोला, हाँ सही कहा, ये बहुत शातिर दिमाग का है, तुम्हारा पूरा पैसा वसूल करवा लेगा। वो दोनों करण का साथ दे रहे हैं या उसका? लेकिन समीर उनकी बातों में आने वाला नहीं था। वो बोला, नहीं बिल्कुल नहीं। जब सब लोग एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, तभी करण का फोन बजा। उसने जब स्क्रीन चेक किया तो वो कॉलर का नाम देखकर कंफ्यूज हो गया। उसने अपने दोस्तों से कहा, तुम कंटिन्यू करो, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। जब संजना हॉस्पिटल के बाहर आई तो उसने नर्सिंग होम जाने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में उसकी बहन का ऑपरेशन होने वाला था। डॉक्टर माथुर ने कहा था कि अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो वो जल्दी होश में आ जाएगी। इतने सालों के इंतजार के बाद आखिर उसकी बहन होश में आने वाली थी। संजना को ये सोचकर बहुत खुशी हो रही थी। संजना टैक्सी से उतरकर जब नर्सिंग होम के अंदर जाने वाली थी, तभी अचानक उसने अर्पिता को किसी लड़के के साथ बाहर आते देखा। उस लड़के ने काली पैंट और सफेद शर्ट पहनी थी। पीछे से देखने पर वो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। जब संजना सोच ही रही थी कि वो कौन है, तभी वो लड़का पलटा। वो करण था। करण? संजना तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गई, क्योंकि वो दोनों उससे थोड़ी दूर खड़े हुए थे, इसीलिए वो उनकी बातें सुन पा रही थी। लेकिन संजना को दिख रहा था कि वो दोनों बहुत खराब मूड में थे। पहले अर्पिता बोल रही थी, लेकिन उसके बाद करण ने उसे जो भी जवाब दिया, उससे उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो तुरंत वहां से चली गई। करण भी अपनी कार में बैठकर चला गया। वो दोनों आखिर यहाँ क्यों आए थे? क्या वो दोनों उसकी बहन को देखने के लिए आए थे? लेकिन करण उसकी बहन को देखने अर्पिता के साथ क्यों आएगा? या वो दोनों इत्तफाक से यहाँ टकरा गए थे? संजना को शक हुआ, क्या करण पास्ट में सचमुच उसकी बहन को जानता नहीं था, या इसके बारे में अर्पिता कुछ जानती थी? लेकिन जिस तरह से अर्पिता ने रिएक्ट किया था, लग रहा था उसके दिल में करण के लिए फीलिंग्स हो। क्या इसीलिए वो संजना की शादी करण से नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि वो खुद करण को पसंद करती थी? संजना जानती थी कि अर्पिता उससे कितना प्यार करती है, लेकिन वो जल्दबाजी में उसके लिए कोई भी गलत बात सोचना नहीं चाहती थी। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसके मन में अजीब सी बेचैनी और जलन हो रही थी। वार्ड की तरफ जाते हुए डॉक्टर माथुर से टकराई वो। उन्होंने उसे देखकर पूछा, मिस संजना, आपका चेहरा पीला दिख रहा है, क्या आप ठीक है? संजना ने अपनी भावनाओं को काबू करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर के साथ बात करने के बाद संजना अपनी बहन के पास गई और उसके पास बैठकर उससे बातें करने लगी। दीदी, क्या आप पास्ट में करण को जानती थी? संजना को उसके सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। उसकी बहन अभी भी आंखें बंद करके लेटी हुई थी, जैसे वो गहरी नींद में सो रही हो। उसने गहरी सांस भरकर आगे कहा, शायद मैं आजकल कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हूँ। आप उसे कैसे जानती होंगी, और अर्पिता के दिल में भी उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं होगी। आजकल मुझे उससे जुड़ी बातों से बहुत फर्क पड़ने लगा है। क्या अब हमारी शादी हो गई है इसीलिए? वो इतनी खोई हुई थी कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि किसी ने धीरे से उस वार्ड का दरवाजा खोला। संजना खोई हुई सी अपनी बात जारी रखते हुए बोली, आज तक मुझे समझ नहीं आया कि मैंने उससे शादी करके सही किया या गलत। उस वक्त नानी की हालत इतनी खराब थी और उसने भी नानी की खुशी के लिए हाँ कर दी थी, और मैंने भी हाँ में हाँ मिला दिया था। क्या आपको ये बात फनी नहीं लगती? संजना मुंह बनाकर बोली, लेकिन हम आज जिस तरह से साथ रह रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी शादी हुई है या नहीं। हमारा रिश्ता बिल्कुल वैसा ही है जैसा पास्ट में था। संजना ने आगे कहा, आपको क्या लगता है उसने मुझसे शादी क्यों की होगी? मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि वो मुझे प्यार करता है या पसंद करता है। अगर ऐसा होता तो वो मुझसे कभी ब्रेकअप नहीं करता। उस वक्त मैं कई दिनों तक सोच रही थी कि वो शायद मेरे साथ मजाक कर रहा है और कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा।
मैं कुछ दिनों बाद उससे मिलने भी गई थी, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है। मैं खुद को बदल सकती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी बात करने से पहले ही वो शहर छोड़कर चला जाएगा। उसने आगे कहा, वो पहले भी बेरहम था और हमारी शादी होने के बाद भी वैसा ही है। वैसे भी हमारी शादी एक समझौता है। मुझे लगा कि वो शादी का अगला स्टेप लेना चाहता था। मेरा मतलब है कि लड़के बिना प्यार के भी सेक्स कर सकते हैं। लेकिन दीदी, मैं नहीं कर सकी। मैं उसके करीब नहीं रह सकती। जब भी वो मुझे किस या हक करता है तो मुझे वो सुबह याद आ जाती है। जो इंसान दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उसकी बातें सुन रही थी, वो शॉक थी। शायद वो इतनी ज्यादा शॉक थी कि जिस काम से वहां आई थी वो काम अधूरा छोड़कर चुपचाप वापस चली गई। रोशनी का अंदाजा था कि शालिनी अभी भी नर्सिंग होम में ही है और वो यहाँ चेक करने के लिए आई थी। शालिनी सचमुच होश में आने वाली है या नहीं, लेकिन उसे क्या पता था कि उसे ये सब कुछ सुनने को मिल जाएगा। समझौते की शादी? तो इसका मतलब संजना और करण की शादी मजबूरी में हुई है, क्योंकि उसकी नानी बीमार थी। ये बात सही है, क्योंकि उसने सब कुछ संजना के मुंह से सुना था। अगर ऐसी बात थी तो करण उसे शादी करने के लिए कैसे तैयार हो गया? पसंद करता है या प्यार करता है? संजना एक मामूली स्विमर है जिसका ना कोई फैमिली बैकग्राउंड है और ना ही इतनी सुंदर है वो। फिर करण ने उसे छोड़कर संजना को क्यों चुना? जब पास्ट में उसने संजना से ब्रेकअप किया था तो वो इतना टूट गया था कि जैसे दुनिया खत्म हो गई हो, और अब वो उसके समझौते की शादी के लिए भी तैयार हो गया। रुको, ग्रोवर्स को तो उनकी शादी के बारे में पता होगा, लेकिन क्या वो इस बात को भी जानते हैं कि संजना ही उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी? अगर उन्हें इस बारे में पता होता तो क्या वो लोग उसकी शादी संजना से होने देते? मिसेस ग्रोवर उस लड़की को कभी अपनी बहू नहीं मानेगी जिसने उसके बेटे का दिल तोड़ा था। और जहां तक ग्रोवर्स की रेपुटेशन की बात है तो वो लोग इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। भले ही उन दोनों की शादी हो गई हो, ग्रोवर्स उनको तलाक लेने पर मजबूर कर देंगे। रोशनी की हालत ऐसी थी जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया हो। वो नर्सिंग होम से सीधे ग्रोवर मेंशन भागी। क्योंकि करण ने शादी कर ली थी और मिसेस नीना ग्रोवर को रोशनी पर तरस आ रहा था, इसीलिए उन्होंने उसे बहुत प्यार से अपने पास बिठा कर कहा, रोशनी तुमने अभी तक डिनर नहीं किया होगा, है ना? मैंने कुछ मीठा बनाया है, क्या तुम टेस्ट करोगी? अगर नीना ग्रोवर ने पहले इतना प्यार दिखाया होता तो रोशनी जरूर हाँ करती, लेकिन आज हालात बदल चुके थे। उसे अपने यहाँ आने का मकसद नहीं भूलना चाहिए। उसने कड़वाहट से मुस्कुरा कर कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं। आंटी, मैं डिनर करके आई हूँ। मैं बस जाने से पहले आखिरी बार आपसे मिलना चाहती थी। नीना ग्रोवर ने आश्चर्य से पूछा, जाने से पहले? रोशनी सर झुकाकर बैठ गई। वो बहुत दुखी लग रही थी। उसने कहा, करण मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता और ना ही वो मुझे यहाँ रहने देना चाहता है, इसीलिए उसने मुझे ये शहर छोड़कर जाने का अल्टीमेटम दिया है और ये भी कहा है कि मैं अगले 5 साल तक वापस ना आऊं। नीना ग्रोवर रोशनी की बात सुनकर दंग रह गई। ये लड़का भी ना, लेकिन बात इतनी आगे कैसे बढ़ गई? अगर उसे इससे शादी नहीं करनी थी तो कोई बात नहीं, लेकिन रोशनी ने उसकी जान बचाई थी, वो उसके साथ ऐसा कैसे? वो खुद भी रोशनी को एक अच्छा इंसान नहीं मानती थी, लेकिन भले ही उन्हें वो पसंद हो या ना हो, फिर भी उन्होंने उसके साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं किया था। और वो ये देख सकती थी कि रोशनी करण से सचमुच प्यार करती है। वैसे भी ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर वो उसे पसंद नहीं करता था तो उससे दूर रहता, लेकिन अगर उसने सिर्फ ये सोचकर उसे शहर छोड़कर जाने को कहा है क्योंकि वो उसकी पहले मंगेतर थी तो ये सरासर गलत है। उसने रोशनी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, इसमें हमारे करण की गलती है। अगर तुम जाना नहीं चाहती तो तुम मुझे बताओ, मैं करण से बात करूंगी। रोशनी बोली, आंटी कोई बात नहीं, उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो फिर मेरे यहाँ रहने का क्या फायदा? मैं खुद भी बाहर जाना चाहती हूँ ताकि मेरे मन को शांति मिल सके। उन दोनों को शादी प्लान करते देखने से ज्यादा तकलीफ दे मेरे लिए और कुछ नहीं है। रोशनी ये कहकर रोने लगी। नीना ग्रोवर को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो उसे तसल्ली देते हुए बोली, बेटा
मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम्हें भी ऐसे जीवन साथी मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही होगा। करण ने तुमसे शादी नहीं की, इसमें उसका नहीं बल्कि मेरा नुकसान है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ। जब भी भविष्य में तुम्हारी शादी होगी मैं तुम्हें बहुत अच्छा तोहफा दूंगी। रोशनी उनकी बातें सुनकर मुंह बना रही थी। रोशनी ने मन में सोचा, माँ जैसी है? उन्हें क्या लगता है कि प्यार के दो बोल बोलने से वो उसे समाज के सामने उनकी बुराई करने से रोक सकती है? तोहफा देंगी? तोहफा देकर उसका मुंह बंद करवाना चाहती है क्या? क्या वो भिखारी दिखती है? रोशनी ने कहा, कोई बात नहीं आंटी, शायद मेरी किस्मत में आपकी बहू बनना नहीं लिखा था, लेकिन इसके साथ रोशनी की आवाज भारी हो गई, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे बोलना चाहिए या नहीं। नीना ग्रोवर जानती थी कि रोशनी जरूर कुछ बताने के लिए आई है, इसीलिए उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, रोशनी अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो बेझिझक बोलो, मैं तुम्हारे लिए जो कर पाऊंगी जरूर करूंगी। रोशनी ने अपने आंसू पोंछे और दर्द भरी आवाज में बोली, आंटी ये बात मेरे खुद के बारे में नहीं है, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये आपको बताना चाहिए या नहीं। नीना ग्रोवर ने कहा, बेझिझक बोलो। रोशनी बोली, आंटी भले ही मेरी करण से शादी ना हुई हो लेकिन मैंने हमेशा उसका भला चाहा है। मुझे पता है कि करण से शादी करने के जुनून में मैंने बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन मैंने उसे सचमुच बहुत प्यार किया है। मगर वो संजना उसे पास्ट में बहुत पहले काफी हर्ट कर चुकी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो एक बार फिर करण का दिल तोड़कर चली जाए। वो जैसा चाहती थी उसे बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन देखने को मिला। नीना ग्रोवर शॉक में थी, क्योंकि ग्रोवर सचमुच ये बात नहीं जानते थे। रोशनी दिल ही दिल में बहुत खुश थी। उसने मासूमियत से कहा, मैं जो कर सकती थी मैंने किया, फिर भी मैं करण को इस समझौते की शादी करने से नहीं रोक पाई। नीना ग्रोवर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने पूछा, क्या कहा तुमने? करण और संजना की शादी समझौते की शादी है? समझौते की शादी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए की जाती है, जिनमें वो सिर्फ नाम के पति पत्नी होते हैं, लेकिन उनके बीच कोई रिश्ता नहीं होता। वो शादीशुदा होते हैं फिर भी अलग अलग जिंदगी जीते हैं, ऐसी शादियां ज्यादा नहीं चलती। उनका बेटा इतना समझदार है, फिर उसने संजना के साथ समझौते की शादी क्यों की? नीना ग्रोवर को परेशान देखकर रोशनी बहुत खुश थी, लेकिन उसने अपनी खुशी चेहरे से जाहिर नहीं होने दी। उसने पूछा, आंटी आपको देखकर तो लगता है कि आपको करण ने कुछ नहीं बताया। अपने पेरेंट्स को कौन बताता है कि वो समझौते की शादी करने जा रहा है? रोशनी जानबूझकर ये बात पूछ रही थी। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद नीना ग्रोवर बोली, जब तुमने इस समझौते की शादी के बारे में बताया तो तुम करण के हर्ट होने के बारे में भी कुछ कह रही थी कि संजना ने उसे पास्ट में हर्ट किया था, तुम्हारा मतलब क्या है? नीना ग्रोवर वैसे तो बहुत भोली औरत थी, लेकिन जहां उनके बच्चों की खुशी की बात आती थी वहां वो उसके आगे और कुछ नहीं सोचती थी। रोशनी ने हैरान होते हुए कहा, इसका मतलब आपको कुछ नहीं पता? मुझे लगा था कि आप जानती होंगी, संजना और करण बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। नीना ग्रोवर ने कहा, वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? रोशनी बोली, हाँ संजना ही करण का पहला प्यार है। क्या? संजना वो लड़की है जिसने करण को छोड़ा था? नीना ग्रोवर को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। रोशनी ने आगे कहा, उस वक्त संजना ने करण को डंप किया था, जिससे करण बहुत हर्ट हो गया था। हालांकि करण आज भी उससे प्यार करता है, लेकिन उस लड़की ने सिर्फ अपनी नानी के लिए करण से शादी की है। करण आज भी उसे स्वीकार करने को तैयार है, मगर संजना नहीं। लेकिन ऐसी शादी सफल नहीं होती, भले ही वो मुझे पसंद ना करता हो ना मुझसे शादी करना चाहता हो, लेकिन फिर भी मैं हमेशा यही प्रार्थना करूंगी कि वो एक ऐसी लड़की से शादी करे जो उसे सच्चा प्यार करे और उसका कभी साथ ना छोड़े, ना कि ऐसी लड़की से जो उसे सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करे और फिर छोड़कर चली जाए। रोशनी ने जो कुछ भी बताया, नीना ग्रोवर इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। उन्होंने हमेशा यही सोचा था कि उनके बेटे को सच्चा प्यार मिल गया है
और स्विमिंग सीखने के दौरान दोनों के दिल मिले होंगे और उनमें प्यार हो गया होगा। लेकिन वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि संजना करण की एक्स गर्लफ्रेंड निकलेगी। इसीलिए तो वो इतनी आसानी से संजना से स्विमिंग सीखने के लिए मान गया था, जबकि पहले उसने सभी कोचों को रिजेक्ट कर दिया था। उनको कभी शक क्यों नहीं हुआ? उन्होंने अनजाने में संजना को वापस अपने बेटे की जिंदगी में लाकर खड़ा कर दिया था। नीना ग्रोवर इस वक्त बहुत उलझन में थी। उनके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव बातें चल रही थी। उनको डर लग रहा था कि कहीं उनकी गलती की वजह से उनके बेटे को सारी जिंदगी दुख ना उठाना पड़े। वो रोशनी से भी बात करने के मूड में नहीं थी। रोशनी का मकसद भी पूरा हो गया था, इसीलिए वो वहां से चुपचाप चली गई।